तो गाइस पेमेंट प्रूफ आपके सामने प्रस्तुत है और ये पैसा आपको भी यहाँ पे मिलेगा, बल्कि आपको 370 रुपये न मिलेगी 500 रुपये मिलने वाला है। 370 रुपये आपको टास्क पूरा करने के बदले में मिलेगा और 130 रुपये आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। अब क्या कुछ प्रोसेस रहेगा यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सबसे जरूर से कर लेना। और गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो यहाँ पे मैं जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर दिन नई नई लूट वगैरह देता रहता हूँ जिससे यूजर्स का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और अगर आप भी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर मस्ट कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस अगर आपको वीडियो में नॉइज आ रहा हो तो प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लेना। बात करते हैं लूट के बारे में। गाइस लिंक मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे आपके पास जो है ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको अपनी UPI और आई एम नॉट रॉबोट पर क्लिक करके सबमिट करना है और ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। जी हाँ गाइस आपका ये जो ऑफर निकल के आ रहा है वो एम स्टॉक की तरफ से निकल के आ रहा है। पहले गाइस सेम टास्क को पूरा करने के बदले में आपको यहाँ पे 150 रुपये दिया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया जिसमें आपको 370 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपको 370 रुपये ना मिलकर यहाँ पे 500 रुपये मिलने वाले हैं, 130 रुपये आपका भाई आपको। और इस पैसे को आपको कैसे लेना है यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपना ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ तो प्लीज़ किसी और का डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। मोबाइल नंबर जैसे आप डालोगे तो उस पर एक OTP आएगा, OTP को डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप लोग OTP को डाल के वेरीफाई करोगे देन ऐसा इंटरफेस आएगा जिसको आपको स्किप कर देना है। देन यहाँ पे अपनी एक जीमेल को डालना, जीमेल को डालने के बाद में जो आप जीमेल डालोगे उस पर भी एक OTP आएगा, तो उस OTP को भी डाल के हमें वेरीफाई कर देना है। जैसे आप लोग वेरीफाई करोगे ये वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आपको पैन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना रहेगा। लेकिन अगर जितने भी आप डिटेल का यहाँ पे यूज़ करोगे वो सारी की सारी ओरिजिनल डिटेल होनी चाहिए। एंड जैसे आप लोग सबमिट करोगे फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ब्रोकरेज प्लान चूज करना चाहते हो, तो जो 20 रुपीज़ वाला ब्रोकरेज प्लान है आपको उसको चूज करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको आई प्रेफर 20 रुपीज़ वाले पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, तो अभी आपको क्लिक करना है नो आई विल पे AMC क्वार्टरली। सेकंड वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अभी आपको यहाँ पे 00 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको पेपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग पेपर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आई डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा एंड एक ऐसा पॉपअप आपके पास आ जाएगा जहां पर आपको अलाउ करना है। जैसे आप लोग अलाउ कर दोगे देन आपके पास जो है एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक बढ़िया सी सेल्फी आपको निकाल लेनी है। और हाँ जिसका आप लोग डॉक्यूमेंट यूज करोगे तो उसी की सेल्फी भी आपको यूज करनी पड़ेगी। ऐसा आपको नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट किसी और का यूज कर लिया और सेल्फी अपनी लगा दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सेल्फी निकालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, तो अभी आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर ड्रॉ करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग सिग्नेचर ड्रॉ करके कंटिन्यू करोगे ये वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, बैंक को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है जिसका आप लोग डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो उसी का आपको बैंक अकाउंट भी यूज करना रहेगा। अब आपको सबसे पहले अपने बैंक को सर्च करना, देन अपना IFSC कोड डालना, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर देना। जैसे आप लोग वेरीफाई करोगे आपकी बैंक यहाँ पे वेरीफाई होने लगेगी एंड आपकी जैसे बैंक वेरीफाई हो जाती है फिर आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना रहेगा। पहले अपना जेंडर वगैरह चूज कर लेना, आप सिंगल हो मैरिड हो ये चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी जो एनुअल इनकम वगैरह पूछी जाएगी उसको 1 लाख ही रहने देना। देन दोनों को आपको नो पर रहने देना है। देन आपको सिप पर क्लिक करना है। जैसे सिप पर क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन को फिल करना रहेगा, तो आप जो भी वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी फील्ड हो उसको यहाँ पे चूज करके आपको सबमिट कर देना। देन ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जहाँ पर आपसे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। देन ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जहाँ पर नॉमिनी को ऐड करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन अभी के लिए मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। देन ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिस पर फिर से आपको नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड कुछ टाइम वेट करने के बाद में आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको क्लिक हियर टू ईसाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे बुक क्लिक करोगे आपके पास जो है ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे टिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आप जो भी आधार नंबर डालोगे उस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना रहेगा। तो सिंपल सबको यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई कर देना है और जैसे आप लोग वेरीफाई करोगे आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस, इसके साथ आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफिकेशन के लिए चला जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पे 7 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपने जो जीमेल डाली होगी उस पर आपको ID और पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले MStock की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ओपन करना एंड ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे पहले अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना रहेगा जिसके लिए आप मोबाइल नंबर या फिर क्लाइंट कोड का यूज कर सकते हो। क्लाइंट कोड आपको जीमेल के थ्रू मिल चुका होगा, आपको
आपको क्लाइंट कोड डालना है, देन फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अभी फिर से आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट कोड डाल देना है, देन अपनी जीमेल डाल देना, पैन नंबर डाल देना, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक, जैसे लोग सबमिट पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अभी आपको ओटीपी भेजने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको फिल करके सबमिट कर देना है, देन ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जहां पर आपको अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके सबमिट कर देना। जब आपका आईडी और पासवर्ड चेंज हो जाए उसके बाद आपको सेम आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते इसका होम पेज आपके पास आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, 370 रुपये लेने के लिए 50 रुपीज की आपको ऐड मनी करनी रहेगी। तो पैसे को ऐड करने के लिए आपको सिंपल सा ऐड फंड पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे मेरा बैलेंस चेक कर सकते हो जो कि 7.59 रुपीज यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपका यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट होगा तो ये 0 रुपए रहेगा। ये मेरा ओल्ड अकाउंट है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे पैसे को ऐड करना है। अब आपको पैसे को ऐड करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है यूपीआई, दूसरा यहाँ पे नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू भी आपको पैसे को ऐड करना है उस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, देन यहाँ पे अपनी अमाउंट को फिल करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपीज पहले, लेकिन आपको 50 रुपीज को यहाँ पे ऐड करना रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको 50 रुपीज को ऐड करना है। तो अपने अमाउंट को डाल, जैसे आप लोग ऐड फंड पर क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जहाँ पे आपको फोनपे, गूगल पे, पेटीएम इस टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जिसके थ्रू भी हमें पेमेंट करनी है उसके थ्रू हमें पेमेंट कर देना, मतलब 50 रुपये को आपको ऐड कर लेना। जैसे आपका 50 रुपये ऐड हो जाता है, तो जैसे आपका फंड ऐड हो जाता है आपको एप्लीकेशन को होम पेज पर वापस आना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपका बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल से सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक को फाइंड कर लेना, चाहे आप आइडिया, वोडाफोन, मतलब आपको जो भी मन करे आपको उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर लेना। स्टॉक को सर्च करने के बाद में आपको सिंपल से बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको याद रखना है इसको मार्केट पर सेट रहने देना, मार्केट पर सेट रहकर आपको यहाँ पे टिक कर देना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को फिल करना है और क्वांटिटी को आपको इस अकॉर्डिंग फिल करना है जिससे आपका जो पैसा आपने ऐड किया था वो सारा का सारा यूज हो जाए। यानी कि 50 रुपये आपने ऐड किया था तो 50 रुपये का ही आपको यहाँ पे शेयर बाय कर लेना है, उससे कम का आपको शेयर बाय नहीं करना है, वरना आपको पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतना काम करने के बाद में आपके पास जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपने जो शेयर बाय किया होगा वो। और अभी आपको यहाँ पे वेट करना है 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स का, और इतना ही टाइम में आपको यहाँ पे 370 रुपये डायरेक्ट आपके UPI पे मिल जाएगा जो आपने शुरुआत में डाली होगी। आपका जैसे आपको यहाँ पे 370 रुपये मिल जाता है उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना है, वहाँ पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट आईडी देखने के लिए मिल जाएगी जिसके थ्रू आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है और मेरे को बताना कि भाई मैंने इस टास्क को पूरा कर लिया है और प्रूफ वगैरह सेंड कर देना, जिसके बाद मैं आपको इंस्टेंटली 130 रुपये डायरेक्ट आपके UPI पे कर दूँ एंड टोटल आपका यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन ना की तो टेलीग्राम पर हमें जो है ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।